नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कुमार एमएमए रिसर्च सेंटर से और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने लिया है वह है सन स्ट्रॉक, मतलब कि लू लग जाना। जैसे आप देख रहे हैं गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, ऐसे में आप कोशिश करें कि छाता छतरी लेकर के बाहर निकलें और धूप में कम से कम रहें, क्योंकि ये धूप जो अभी की धूप है ये काफ़ी जो है, अगर आप बाहर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं और कभी कभी बाहर निकलते हैं तो इस समय आपको धूप से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आप सन स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपको बहुत तेज़ बुखार, सर दर्द और कई तरह के रैसेस बॉडी पे आ सकते हैं। तो इसके लिए जो सब सन स्ट्रोक जो है, जिसके कारण धूप लग जाने से बहुत ज़्यादा जो है प्यास लग जाती है, उसके साथ बुखार आ जाता है और सर में दर्द हो जाता है, आपको फील हो जाएगा कि हाँ मुझे लू लग गया या धूप के कारण हमें ये समस्या हो गई, इसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन दोस्तों वह है ग्लोनाइन 30। ग्लोनाइन 30 जो है ये धूप सन स्ट्रोक की सबसे अच्छी मेडिसिन है। और दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है बेलाडोना 30। अगर आपको धूप में ज़्यादा रहने से बुखार हो गया है और चेहरे लाल हो गए, साथ में आँखें भी जो है आपको लाल हो गई है, अगर इस तरह की समस्या आपको हो गई है धूप में जाने से और जो है सर टपकने की तरह अगर आपको दर्द फील हो रहा है, इससे बहुत टपकने की तरह अगर हो जाता है धूप में जाने, कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन बेलाडोना 30 पोटेंसी में आप यूज करें, बहुत ही अच्छा काम करेगा। और इसके साथ एक और मेडिसिन भी आप ले सकते हैं सनस्ट्रॉक में, जलसेमियम 30। जलसेमियम 30 पोटेंसी में भी बहुत अच्छा काम करता है लू लगने में, खासकर अगर तुरंत आकर बाहर से आकर के अगर आपने पानी पी लिया है और कोई भी कोल्ड ड्रिंक की सामान धूप में बहुत ज़्यादा पी ली, ठंडी कोल्ड ड्रिंक की कोई भी किसी तरह का ठंडा कोल्ड ड्रिंक आपने पी लिया, उससे कई समस्या हो गया है, तो जलसेमियम और प्लस रस्टॉक्स दोनों को आप 30, दोनों ही 30, जलसेमियम 30 रस्टॉक्स 30 दोनों को मिला के आप लें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और खास कर पहली शुरुआत ग्लोनाइन से 30 से करिएगा और उसके बाद बेलाडोना, अगर नहीं आराम मिलेगा तो सबसे लास्ट में ये जो मैंने लास्ट में मच्छी बताया जलसेमियम और रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में यूज करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि अभी लू का मौसम चल रहा है तो इस तरह से होता क्या है कि कई लोगों को ऐसी जानकारी नहीं है और ये आप इसमें अगर परेशान हो जाओगे तो बेकार में चले जाओगे ग्लूकोज चढ़ाने, वहाँ आपका अच्छा खासा बिल बन जाएगा हॉस्पिटल में। तो इससे अच्छा है कि आप ग्लोनाइन दो दो बूंद जुबान पैसे ले लें ताकि आपको हॉस्पिटल या कोई भी पैरासिटामोल लेने की ज़रूरत न हो। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ कनेक्टेड। वीडियो थोड़ा लेट आता है दोस्तों, क्योंकि मैं रोगी देखता हूँ, टाइम मिलता है तो वीडियो बना देता हूँ। Thank you.